गर्मी आते ही बढ़ा साफ पानी का संकट। गंदे पानी की वजह से अस्पताल में पीलिया डायरिया के मरीजों की बढ़ी भीड़। गर्मी ने जैसे ही अपने पैर पसारने शुरू किए, वैसे ही अस्पतालों में डायरिया पीलिया के मरीजों का आगमन शुरू हो गया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में यूं तो सभी प्रकार के मरीजों की भीड़ बारहों महीने रहती है, लेकिन इन दिनों अस्पताल में डायरिया पीलिया के मरीज सर्वाधिक देखने में नजर आ रहे हैं। कारण सीधा सा है, गर्मी के मौसम में चारों तरफ पीने के साफ पानी की कमी होती है। ऐसे में लोग कई बार दूषित पानी पी लेते हैं, नतीजा सामने आता है पीलिया के रूप में। डॉक्टर भी मानते हैं कि गंदे पानी की वजह से ही पीलिया नामक बीमारी सर्वाधिक फैलती है। वहीं गर्मी में लोग ज्यादातर शादी बारात में व्यस्त रहते हैं, गर्मी में ज्यादा तेल मसाले का सेवन उल्टी दस्त में बदल जाता है। कहा जा सकता है गंदे पानी और ज्यादा तेल मसाले ही अनेक गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। डॉक्टर भी मानते हैं इन बीमारियों से बचाव आसान है, खानपान में थोड़ा सा ध्यान और गंदे पानी को उबाल कर पीने से ये समस्या हल हो सकती है। पीलिया के पड़े 8-10 पेशेंट आ ही जाते हैं। पीलिया में सावधानी रखना पड़ता है, अगर आप उसको ठीक से इलाज नहीं करवाएंगे तो काफ़ी वो बढ़ जाता है। किस वजह से पीलिया होने का मुख्य वजह ये कि साफ पानी, प्रदूषित पानी पीने से होता है। अपने साफ पानी नहीं पीते तो गर्मियों में पानी के जो सोर्सेज होते हैं, कुआँ हो गया, तालाब हो गया, ये जो भी जहाँ से अपन पानी लेते हैं वो कम हो जाता है, और गंदगी उसमें बढ़ जाने के कारण जैसे पीलिया आदि होती है। जो अपना माल ड्रेन होता है वो पानी उसमें मिक्स होता है, उसके पीने से ये सब होता है। प्रॉपर अगर पानी अपन उबाल के क्लोरीन डाल करके या इस टाइप से उसको पिएंगे तो ये सब बीमारियों से अपन बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी अगर अपन रखें तो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है।